तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं यूजर फॉर्म। तो किरण अग्रवाल जी, आज हम आपके साथ इस क्लास में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम एक डेटा सीट के डेटा को यूजर फॉर्म पे लेके आएंगे। लास्ट क्लासेस में हमने आपके साथ डिस्कस किया था कि किस तरीके से यूजर फॉर्म का डेटा एक्सेल सीट पे हम ले जाते हैं। एक सेकेंड दीजिए, तो मैं सबसे पहले एक इसका फॉर्म बनाता हूं। तो मैं इंसर्ट यूजर फॉर्म पे गया और थोड़ा सा अपने यूजर फॉर्म को बड़ा करता हूं। और यहां अब देखिए इसमें क्या है कि कैसे ढूंढेगा, क्योंकि यहां रिपीटेड है ना, तो हम यहां पे एक यूनिक आईडी ऐड कर देगा। हम एक आईडी डालेंगे और मुझे पूरा डिटेल दिख जाए। बस एक आईडी डाला और पूरा डिटेल मुझे दिख गया, ऐसा कुछ करेंगे हम। तो हम क्या करेंगे, और यहां पे सबसे पहले तो एक आईडी का बनाएंगे बॉक्स। मैं यहां पे आईडी डालूंगा, उसके बाद मुझे यहाँ पे कितने मंथ है वो नेम है, जैन पर मार्च है, यहाँ पे नेम आ जाएगा सबसे पहले। यहाँ और यहाँ पे डाल देता हूँ नेम, उसके बाद फिर मैं अपना मंथ में ये भी डाल देता हूं जैन फैर। छह है ना, तो 1 2 3 4 5। अब थोड़ा सा इसको अरेंज कर देता हूं ताकि ये 6 आ जाए। कॉपी कैसे कर रहा हूं, कंट्रोल प्रेस कर रही, कंट्रोल प्रेस किया तो मैं इसकी कॉपी कर पा रहा हूं। अब मैं इसके ऊपर इसका हेडिंग डाल देता हूं, जो कि हम डालेंगे इस नाम से यहां पे जैन, और मैं इसको भी सेम कॉपी कर रहा हूं। यहां पे जैन पे यहां मैं यहां से भी चेंज कर सकता हूं, ऊपर चेंज करने में दिक्कत हो रही है, तो फैर आप काम कर देते हैं मार्च। ये आपका हो जाएगा अप्रैल, ये हो जाएगा आपका मई, ये आपका हो जाएगा जून। ये हो गया आपके पास। मैं यहां पे एक बटन दूंगा शो का, हालांकि मैं बटन बाद में हटा दूंगा ना, लेकिन फिलहाल मैं मान लीजिए शो का बटन दे रहा हूं। मैं चाहता हूं जैसे मैं इस बटन पे क्लिक करूं, यहां पर जो आईडी है इसके बिहाव पे पूरा डेटा आ जाए। तो सबसे पहले मैं यहां पे एक वेरिएबल देता हूं किटिम आर R equal to application dot
वर्कशीट फंक्शन डॉट मैच लगा दिया। मैच में हमने बोला कि हमें वैल डॉट मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स, क्योंकि टेक्स्ट बॉक्स वन की वैल्यू क्या है, नंबर में है, इसमें है टेक्स्ट में होगा, इसलिए हमने नंबर दे दिया। उसके बाद हमने यहां दिया रेंज ए से लेके ए, तो मैच क्या करेगा इसका रो नंबर दे देगा, लेकिन मुझे यहाँ पे शीट डिफाइन करना पड़ेगा, जैसे डेटा शीट है तो यहाँ पे हम डेटा शीट डिफाइन कर देंगे। शीट्स और यहां पे हम देंगे डेटा। जब ये रन होगा तो जो भी आईडी होगा उस आईडी को सर्च करके मुझे यहाँ इसका रो नंबर मुझे दे देगा, जो भी आईडी होगा मैच होगा। अब मुझे यहाँ पे वन बाय वन क्या लिखना है, मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स टू डॉट वैल्यू इक्वल टू सेल्स आर कॉमा टू डॉट वैल्यू, और सेल्स पे शीट का रेंज देना होगा, यहाँ पे हम शीट का रेंज दे देते हैं। बस इसी को मुझे कॉपी पेस्ट कर देना है नीचे नीचे। कितने टेक्स्ट बॉक्स है एक बार देख लूं मैं, ये है टेक्स्ट बॉक्स 8, तो मैं इसके वापस आता हूँ, ये टेक्स्ट बॉक्स हो जाएगा 3, ये हो जाएगा टेक्स्ट बॉक्स 4, ये हो जाएगा टेक्स्ट बॉक्स 5, ये हो जाएगा टेक्स्ट बॉक्स 6, दो और कॉपी करने हैं, 7 and 8, और यहां पे भी हो जाएगा सेम, 2 की जगह पे 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब एक बार मैं इसको रन करता हूं, मैंने आईडी 1 दिया और शो पे क्लिक किया, डिटेल्स आ गया। दिक्कत तब कब होगी जब मैं ज्यादा डालूंगा देन शो पे क्लिक करूंगा तो एरर देगा। ये एरर क्यों दिया, क्योंकि जब मैच ने मैच किया तो ये वैल्यू यहां पे इसको एरर आ गया, क्योंकि नहीं मिला, इसलिए इसने एरर दे दिया। तो इसको कैसे रोके हम, तो दो तरीके हैं, लेकिन एक तरीका एक सिंपल तरीका है कि हम यहां दे देंगे ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट, और यहां हम देंगे इफ की एरर इज ग्रेटर देन 0 देन सारा मैं सारा लेते हैं, यहां से कॉपी करते हैं, यहां पे पेस्ट देख ही चाहिए, कॉपी पेस्ट किया, वैल्यू इक्वल टू ब्लैंक, वैल्यू इक्वल टू 0 में टेक्स्ट बॉक्स 3 0, बाकी सारा हम 0 0 कर देंगे, लेकिन नहीं मिला हमें 3, यहाँ पे हम कर देते हैं 4, यहाँ पे कर देते हैं 5, यहाँ कर देते हैं 6 7, और ये हो जाएगा हमारा 8। और यहाँ आ जाएगा एंड इफ, और मैसेज भी दे देंगे हम MSG बॉक्स यहाँ दे देंगे डेटा नॉट, अब जैसे रन कीजिए, मैं यहां पे 1 देके शो पे क्लिक किया तो डिटेल्स आ गए, और मैं यहां पे नंबर ज्यादा दे देता हूं तो यहां पे क्या होगा, डेटा नॉट फॉर्म, और सारा यहां पे 0 0 और ब्लैंक हो जाएगा। यहां पे मैं 8 करता हूं, शो करता हूं यहां पर, बट प्रॉब्लम है कि मैं यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ, सो मैं चाहता हूँ कि कोई भी नाम या किसी तरह का डेटा चेंज ना हो, तो उसके लिए हम लास्ट क्लास में आपको बताए थे कि हम क्या करेंगे, हम कर देंगे d
डिसेबल, यहां पे देखिएगा अनेबल होगा, अनेबल, इसको मैं यहां से फॉल्स कर देता हूं। फिर इसको सिलेक्ट किया, यहां हमारे सामने अनेबल है, इसको मैं फॉल्स कर दिया, इसको सिलेक्ट किया, यहां पे अनेबल है तो फॉल्स कर दिया, इसको सिलेक्ट किया, यहां पे अनेबल है तो फॉल्स कर दिया, यहां अनेबल है तो फॉल्स, और वापस हम यहां अनेबल है तो फॉल्स, और इसको सिलेक्ट करके यहां अनेबल है तो फॉल्स कर दिया। इसी क्या होगा कि मैं वन डालूंगा, शो करूंगा, रिजॉल्व कॉल आ जाएगा। ओके, लेकिन मैं इस पे किसी तरह का चेंजिंग नहीं कर सकता। अब मैं चाहता हूं कि मुझे यहां क्लिक डाल के शो करने पड़ रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं मैं जैसे ही टाइप करूं मुझे दिखता चला जाए, जैसे ही टाइप करूं, तो मुझे यहां पे यूजर फॉर्म क्लिक नहीं, मुझे यहां पे टेक्स्ट बॉक्स वन और इसकी चेंज पे देना होगा, और चेंज पे सारा मेथड मुझे देना। और ये मैसेज बॉक्स जो है इसको मैं यहां से हर बार टाइप में दिखा, नहीं इसको रख दीजिए, हाँ इसको रख सकते हैं। जैसे मैं इसको चेंज करूंगा, मतलब कि मैं इसको एक बार प्ले करता हूँ मैसेज पर, यूजर फॉर्म को, जैसे मैंने वन लिखा तो वन लिखते रिकॉर्ड आ गया, बट यहाँ पे डिलीट करूंगा तो मैं डेटा नॉट फाउंड आ रहा है, समझे। तो इसके लिए हमें कंडीशन देना होगा कि डिलीट करते समय ना आए। तो यहाँ पे हमने दिया एरर ग्रेटर देन जीरो एंड लेन मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट वैल्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। यहाँ पे हमने दो कंडीशन लगा दिया, हमने बोला कि मेरा टेक्स्ट बॉक्स वन ब्लैंक नहीं होना चाहिए और एरर होना चाहिए, तो इससे क्या होगा, वन टाइप किया, ठीक है, आ गया आपको विदाउट किरण जी इसमें, और आपकी जो एग्जांपल आपने मुझे दिखाया था वो देना पड़ेगा। सर मैंने तो आपको इन्फो बॉक्स बोला था कि मुझे को समझा दीजिएगा, मैंने आपको कोड भेजा था ना व्हाट्सएप पे कि मैंने इन्फो बॉक्स यूज किया हुआ है, तो आप बोले ठीक है हम इस दौरान किसी क्लास में वो समझा देंगे, ठीक है मैं बता दूंगा उसको। यहाँ पे बॉक्स नहीं भी देना वो भी ठीक है, हम डायरेक्टली नेम में अपीयर करवा सकते हैं कि डेटा नॉट फाउंड, समझे, हम डायरेक्टली नेम में अपीयर करवा सकते हैं, यहाँ पे उतना जरूरी नहीं। क्लियर है, इसमें डाउट तो नहीं है। सर अब क्या बोले कि हम लोग डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, हम यूजर हमारा जो मैसेज है ना यहाँ पे अपीयर करवा देंगे नेम बॉक्स में, डेटा नॉट फाउंड। हाँ हाँ हाँ, अब इसमें बात आती है कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पे हम जस्ट अपने डेटा को शो करवा रहे हैं, लेकिन मुझे इसी टेबल से डेटा को शो भी करवाना है और डेटा को एडिट भी करवाना है, समझे। तो क्या करना चाहता हूं कि मैं जैसे ही मैं यहां पे एक बटन लू यहां एडिट का, सॉरी यहां पे एडिट का, एडिट, तो जैसे मैं इस पे क्लिक करूं ये सारा जो है वो हो जाना चाहिए इनेबल, ठीक है, देखिए एडिट मोड में आ जाना चाहिए। तो मैंने यहां पे क्या किया, हमने लिखा कि मी करीब कंडीशन आना पड़ेगा कि मी डॉट कमांड बटन वन टू डॉट कैप्शन इज इक्वल टू
एट इट, समझे? देन सबसे पहले तो मी डॉट कमांड बटन टू डॉट कैप्शन इक्वल टू होना चाहिए चेंज, ठीक है? उसके बाद मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स टू डॉट अनेबल इक्वल टू ट्रू, यहां पे 3, 4, 5, 6, 7 और 8, यहां हम else करेंगे else और यहां पे and। अब else क्यों किया? यहां पे जगह में क्यों छोड़ा? जगह छोड़ने का पर्पस रीजन ये था कि जैसे कि मान लीजिए कि हमने यहां पे 1 लिया और डेटा आ गया, मुझे इसको चेंज करना है तो हमने इसको एडिट पे क्लिक कर दिया। एडिट पे क्लिक करते देखिए यहाँ चेंज में अपडेट हो गया और ये सारा हमारा अनेबल हो गया। जैसे मान लीजिए कि मैं 22 को 37 करना चाहता हूँ, 37 राइट। अब मैं चेंज पे क्लिक करूं तो ये हमारा 22, 37 हो जाना चाहिए, समझ गए? ये चेंजिंग आप करेंगे। उसी चीज मैं इस नंबर्स में सिर्फ नंबर ही एंट्री कर सकता हूं, टेक्स्ट नहीं। मतलब कि मैं यहां पे टेक्स्ट एंट्री कर लिया ना तो टेक्स्ट एंट्री करते ही मुझे एरर दे दे कि भाई आपने टेक्स्ट एंट्री किया। क्लियर है ज्योति? हेलो किरण जी, मैं म्यूट थी, बोले मैं ये आपका जो है बना दिया है फाइल, में आपको मेल कर देता हूँ, आप मुझे इसको चेंज करके भेज। ठीक है सर। दो काम करना है, एक तो जो यूजर फॉर्म पे एडिट पे क्लिक करने के बाद एंट्री हो जाए तो डेटा कोड आपको वही एल्स में लिखना है, मैंने जहाँ पे मैंने आपको बताया, आपको करके दिखाया यहाँ पे, इसमें लिखना है, ठीक है? ये हमें कंडीशन लगाने का पर्पस हुआ कि एडिट होगा तो यहाँ पे आ जाएगा, तो नहीं तो सबसे पहले ये क्या करेगा, इसको एडिट करेगा। हाँ सॉरी, हाँ हाँ, इसको एडिट को ए कर देगा, चेंज को एडिट कर देगा और ए जो ट्रू है उसको फॉल्स करेगा, उसके बाद कोड लिखिएगा। हेलो, हाँ सर ठीक है, उसके बाद कोड लिखेंगे, ये फॉल्स कर देता हूँ, उसके बाद अपना कोड आप लिखेंगे। दूसरा, मैं जो हमारा मंथ का टेक्स्ट बॉक्स है उसमें किसी भी तरह का टेक्स्ट एंट्री नहीं चाहता हूँ, सिर्फ नंबर की एंट्री होनी चाहिए। ये दो चेंजिंग आपको करके देने हैं मुझे, ठीक है सर? ऐसे भी 2 दिन तो टाइम है प्रैक्टिस के लिए। जी हाँ, इसको कर दीजिए, मैं आपको अभी इसका मेल लिख देता हूँ और आपकी प्रॉब्लम को एक बार मैं देख लेता हूँ। आज मैं सर मैं आपको वो लिंक भेज दी Adobe रीडर वाला, और इन्फोबॉक्स वाला जो है वो कोड भी मैं आपको भेज दी थी, तो आप मैं देख रहा हूँ इन्फोबॉक्स वाला, तो मुझे पता है, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है? जहाँ उसकी जरूरत है जोड़िए ताकि आप समझ पाएंगे। हाँ, पैरामीटर ही दिख नहीं रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, सबसे बड़ा दिक्कत है।